हेलो एवरीवन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लेज एंड गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक ऑर्डर है वेल विचेल्स इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें जो मेंबर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं और उनके फीचर्स क्या हैं एंड हाउ दे आर सिमिलर एंड डिसिमिलर फ्रॉम दी अदर ग्रुप्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर फॉर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टी जी टी पी जी टी एंड गवर्नमेंट इंटरकालेज बायोलॉजी लेक्चर सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें जो पॉइंट है दी करेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जो सिलेबस का पॉइंट है उसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स का मतलब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जिमनोसपन्स में वेल विचल्स जो है एक ऑर्डर है और इसके अंदर एक पर्टिकुलर फैमिली आती है और उसमें एक ही मैंबर है जिसे हम लिविंग फॉसिल कह सकते हैं लाइक जिंगो बाई लोबा गाइज तो देखते हैं इस ऑर्डर की क्या इंपॉर्टेंट बात है एक जो प्लांट है इसके अंदर जिसका नाम है इसी के नाम से वेल विच या मेराबलेस क्योंकि सिंगल जीनस सिंगल स्पीसीज़ और एक सिंगल फैमिली इन दिस ऑर्डर सो इट इज़ नोन एज लिविंग फॉसिल्स लाइक जिंगो वाइलोबा अब दूसरा पॉइंट है कि इट इज़ बता दिया सिंगलली जो होता है प्रजेंट होता है जीनस एक ही स्पीसीज होती है और कॉमनली इसे खुराब या खरास बोला जाता है गाइज और जैसा कि पिक्चर आप देख रहे हैं डेजर्ट एरिया है ये अफ्रीकन कंट्री निम्बिया एंड जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं टू लीव्स ये जो करेक्टर्स है क्या इसका यूनिक करेक्टर्स है इन द प्लांट किंगडम कि इसकी दो जो लीव्स होती हैं वो परमानेंट होती हैं अदर लीफ्स जैसा कि इसमें देख रहे हैं दूसरी लीफ हो सकता है इसमें गिर जाए एक टाइम के बाद डिस्टोस या जो ठीक <coughs> है बट टू लीव्स इसमें ऑलवेज रिमेन कौन जो कहा जाता है कि ये यूनिक करेक्टर्स इन सेकेंड पिक्चर यू नो वेरी वेल दैट की दे आर डिफरेंट लिप्स इन ए सिंगल प्लांट बट इसमें टू लीट जो होती है वो परमानेंट होती है जैसे सिंगल फैमिली वेल विच चे सी इट इज एंडेमिक एंडेमिक का मतलब इस कन्फाइंड आज के टाइम में ये केवल अफ्रीका जो हमारा कंटिनेंट है उसमें जो कंट्री है निम्बिया एंड अंगोला वहाँ के जो डेजर्ट हैं जैसे नेम डेजर्ट बोला जाता है ये पर्टिकुलरली वहाँ पर प्रेजेंट होता है या पाया जाता है जैसे कि हमने आपको जिंगो वायलोबा के, के केस में बताया था कि जिंगो वायलोबा आज नेचुरली जो होता है रिमोट एरियाज ऑफ चाइना फिर उसके बाद एक बताया था कि वो आपका नॉर्थ अमेरिका में भी कल्टीवेट किया जा रहा है उसी तरीके से ये जो प्लांट होता है बेरवेल्चिया मेरावेल इज ऑनली ग्रोइंग या नेचुरली ग्रोइंग टुडे इन नियाम डेजर्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्री लाइक नियम्बिया एंड अंगोला इसके अलावा इसे हम टेक्निकली टर्म बोला जाता है टम्बोआ या टम्बो इसका मतलब क्या है ये इनका टेक्निकल टर्म्स है वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दूसरा इसका जो नाम है इतना बेलविचियल्स इज गिविंग टू दस्ट्रेलियन का ही देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है ऑस्ट्रेलियन जो जहाँ के मेंडल साहब थे अपने जो क्लासिकल जेनेटिक्स के फादर हैं ठीक है ऑस्ट्रेलिया वहाँ कंट्री थी उस यूरोप में है ये वहाँ के एक बोटनिस्ट थे फ्रेडरिक वेलविचिया उसके नाम से इस प्लांट का नाम ड्राइव किया गया है हैबिटेट की बात करें तो गाइज आपको बता चुके ये इनका हैबिटेट है यहाँ पे स्पेशली एक जो घाटी है जैसे बेलविस जैसे अपने यहाँ बंगाल है उसी तरीके से वहाँ पे निम्बिया में वहाँ का नेटिव है और आज के टाइम में इसे हम ये फॉसिल जिमनोसपम लिखा गया ये लिविंग फॉसिल है ठीक है इंडेमिक टू नेम डिजर्ट रेनफॉल आप डिजर्ट है तो नेमफॉल का आइडिया देख सकते हैं रेनफॉल का टेन टू हंड्रेड मिलीमीटर जो भी समर का है और सॉइली कंडीशन तो आप देख सकते हैं रॉकी या है, ग्रेवल टाइप की होगी और टैप रूट जो कि बहुत अंदर तक जाती है जिससे कि वाटर टेबल बहुत इनसाइड होता है टेम्परेचर वाइज नाइट का सेवन और वैसे डे टाइम तो हाईएस्ट टेम्परेचर जैसा कि आजकल अपने इंडिया में चल रहा है इधर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ठीक है मतलब हार्ड समर कह सकते हैं स्टेम जो होता है गाइस इसका लगभग फाइव मिलीमीटर mm, देखिए कितना कम है फाइव मिलीमीटर मीटर फाइव हंड्रेड मिलीमीटर हाइट तक पहुंचता है कार्बन डेटिंग से ही पता चलता है कि दिस अबर रिमेन एज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स मतलब इनका जो रियल पीरियड रहा होगा तो पाँच फाइव टू सिक्स हंड्रेड ईयर्स आए ये बहुत ज़्यादा अपने इन्फ्लुएंशियल टाइम था इनका अब हम बात करेंगे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बारे में जो इसके पिक्यूलियर करेक्टर मतलब ये समझ सकते हैं यूनिक फीचर जो इसके अंदर पाए जाते हैं इस प्लांट में पाए जाते हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं इस पहला पॉइंट इसमें देखिए इसमें स्पिकुलर इस सेल्स पाई जाती हैं जो इसकी पित्त और कार्टेक्स वाला रीजन होता है स्पेशली कहाँ पर गई आप ध्यान रखना ये भी आपका जो स्टेम का पार्ट होता है ठीक है स्टेम के पित और कार्टेक्स में ना कि रूट के तो ये स्पीकुलर सेल्स पाई जाती हैं और दूसरा पॉइंट कि दी सेल जो होती हैं वो इनके चार कैल्शियम ऑक्जलेट के ट्रेस्टर से पाए जाते हैं ठीक है इस दूसरा पॉइंट है कुछ बार्म लाइक मासिस ठीक है बार्म का मतलब समझते होगा जैसे हम किसी को देख सकते हैं जो हमारे बार्म होते हैं जुलॉजी में उस तरीके को स्ट्रक्चर बनती है वो भी किसकी बनी होती है आइसोलेटेड अनकनेक्टेड वेसेल्स एक वेसेल्स में लगभग ट्वेल्व सेल्स होती हैं उस तरीके की कंडीशन इसमें पाई जाती है थर्ड पॉइंट है इसमें एक एम्ब्रीस एक्ट ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है जो कि आपके माइक्रो पायलरेंट की जो सेल्स होती हैं उनके थ्रू होता है और ये ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के दौरान ये इम्ब्रोसेक ट्यूब्स का फार्मेशन होता है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया था टू परमानेंट लिप्स जो कि यूनिक फीचर इन प्लांट किंगडम दूसरा कोई प्लांट है नहीं जिसमें ऐसी कंडीशन हो कि दो परमानेंट लिप्स होती हैं दे नेवर सेट कभी वो गिरती नहीं है और कैसी होती है -like. स्ट्रेप लाइक स्ट्रेप लाइन में एक पाइप लाइक बना जाती हैं काफ़ी चौड़ी सी होती हैं तो थोड़ी फोल्ड हो जाती हैं लिप्स आर लेदरी ब्रॉड स्ट्रेप सेव्ड एंड लोकेटेड ऑन ग्रोथ बिकमिंग टॉर्न टू रिबिन इस तरीके से रिबिन टाइप मतलब हो जाती है एंड अडल्ट अगर हम बेलबिच्चे की बात करें तो उसमें टू लीव्स एक स्टेम विस और रूट्स होती है ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ जनरल फ़ीचर्स की देखिए जनरल फ़ीचर्स की बात अगर करेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे क्या है गा? आपको कई सारे ऑर्डर में हम बात करें जैसे हमने टेक्सजेल्स की बात करी थी निटेल्स की बात करी थी गिंगोल्स की बात करी थी इसी तरीके से साइकेट्स और कोनीफ्रेल्स की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये यहाँ बनता है कि जो आपका अवेलेबल चीज है इसके सिमिलर दूसरे जिम्नोस्पर्मिक ग्रुप में आया आर्डर्स में आने वाले मेंबर से कैसे करके सिमिलर होते हैं क्योंकि फीचर्स एक ही हैं जैसे कि आपकी सेक्सुअलिटी की बात कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन की चेंजेस की बात कर सकते हैं बुट की बात कर सकते हैं जर्मिनेशन का पैटर्न की बात कर सकते हैं तो ये हाउ इट इज सिमिलर टू दी अदर लाइक गिंगो कोनी पाइन साइक्स ज इस तरीके से तो गाइस पहले हमने एक क्वेश्चन रखा बनाया फीचर्स में ये नंबर वाइज क्वेश्चन है वन टू थ्री फोर फाइव सेवन टू एट तक बट इसमें हमने वन टू थ्री फीचर्स वो करें जिनकी में ये प्लांट जो है साइकस वाले प्लांट से सिमिलरिटी शो करता गाइस ये तीन फीचर्स हैं आपके देखिए जो जर्मिनेशन का पैटर्न होता है बेलविल्चिया में वो सिमिलर टू साइकस एंड पाइनस मतलब ई टाइप का होता है ठीक है ई जर्मिनेशन इसका मतलब ये होता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो बेलविल्चियस साइकस और आपके पाइनस में जर्मिनेशन एक ही टाइप का होता है ई पी होता है और गिंगो में ऐसा नहीं होता तो इसे इस, इस तरीके से आपको रिमाइंड रहेगा कि गिंगो के अपोजिट और साइकस पाइनस के लाइक जर्मिनेशन होता है जिससे हम इपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं तो इस तरीके से आपको तीन जिम्नोस्पर्म के नाम पता चले गए जहाँ पे आपको इपिजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है बेलवेलचिया साइकस और पाइनस ठीक है गिंगोमिस के अपोजिट होता है एक मतलब फोर प्लांट का आपको एक आइडिया होगा इसके बाद सेकेंडरी बुट जो जो होती गाइज वो पॉलीजाइलिक होती है जैसा कि साइकस में पाया जाता है तो साइकिल से दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि बुट्स का टाइप साइकिल की तरह होता है तीसरी सिमिलरिटी जो है साइकिल से गाइज वो है सेक्सुअलिटी मतलब डायसियस होते हैं मतलब इनके दो प्लांट होते हैं एक पे मेल आर्गन और एक पे फीमेल आर्गन होते हैं इसका मतलब क्या हुआ पाइनस के अपोजिट क्योंकि पाइनस कैसा गए वो मोनिसी से मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं अब हम देखते हैं इफेड्रा से हाउ इट सिमिलर टू इफेड्रा तो तीन फीचर हमने ऐसे बताएं जिसमें इफेड्रा से ये सिमिलरिटी शो करता है पहला पॉइंट देखिए मतलब फोर्थ नंबर का पॉइंट होगा थर्ड पॉइंट उधर थे करेक्टरिस्टिक लाइक इनर इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल मतलब इस वाले प्लांट में बेलविचिया में और आप इफेड्रा में जो आपका ओब्यूल होता है उसकी जो इनर इंटोगमेंट होती है वो इस तरीके से ग्रो करती है एक थिन माइक्रो पायलट ट्यूब का फार्मेशन करती है ठीक है इसके अलावा ये फेड्रा और नीटम दोनों में मतलब हमने यहाँ पे फेड्रा को हाईलाइट करा इसके अलावा नीटम में भी ये कंडीशन पाई जाती है कि ओव्यूल की जो इनर इंटोगमेंट होती गई वो तो थोड़ा सा ग्रो करके एक थिन माइक्रो पायलट ट्यूब का फार्मेशन करती है इसके अलावा एक सिमिलरिटी होती है कि दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ का जो पैटर्न होता है जो थिकनेस में वृद्धि होती है थिकनेस मोटाई में जो वृद्धि होती है वो पैटर्न नीटम में और बेलविलचिया में बिल्कुल सिमिलर होता है ठीक मतलब है इफेड्रा मतलब हमने बात करी यहाँ पर नीटम सिमिलरिटी शो कर दी गई ये ध्यान रखें थोड़ा सा तीसरा पॉइंट है लाइक like, नीटम बिलविचिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फीडर तो यहाँ पे आप सही कर लें इसे इसे नीटम करें फेटा की जगह पे नीटम करें नीटम और इसका सिमिलरिटी होगा ठीक है पहला पॉइंट ओव्यूल का है दूसरा पॉइंट आपका पैटर्न आप सेकेंडरी ग्रोथ और थर्ड पॉइंट है कि एक फीडर लाइक कि स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो नीटम में और आपके बेलवचिया दोनों में पाई जाती है अब हम इसके बाद सेवन पॉइंट पर बात करेंगे कि पॉलिन चैम्बर जो होता है वो यहाँ पर एबसेंट होता है बाई ओव्यूल होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये टेन नंबर क्वेश्चन ध्यान रखें कि जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें सबसे मोस्टली देखा गया विंड पॉलिनेशन होता, होता है मतलब हवा के द्वारा परागण होता है बट और दूसरी पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि जो बिंड पॉलीनेशन वाले प्लांट्स होते हैं उनमें जो पॉलिन ग्रेन्स का नंबर होता है बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं और एक ही टाइम पे बनते हैं बट इसके अपोजिट बेवलचिया में जो होता है गाइज वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है ना कि हवा के द्वारा ये ध्यान रखना है क्योंकि ये अपोजिट फैक्टर है इसके अलावा जालम पर इनकामा बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है ट्रैकिट्स जो होती हैं वो सर्कुलर होती हैं और सर्कुलर बॉर्डर पिट्स उन पर पाए जाते हैं इसके अलावा बेसल्स में सिंगल सर्कुलर पोर प्रजेंट होता है उनकी एंड वाल पर और लेटरल वाल पर इसके अलावा ट्रैकिट्स हैव सर्कुलर बॉर्डर पिट्स ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन इसके अलावा यहाँ पे एक यूनिक ग्रोथ पैटर्न भी मिलता है एक यूनिक ग्रोथ हैबिट देखने को मिलती है जिसका रिजल्ट क्या होता है इसका जो स्टेम होता है वो कोनिकल स्टेम टाइप का हो जाता है आपको उसका पिक्चर आगे दिखाएंगे जो पिक्चर में मैंने दिखाया सीड्स लाइक जैसे डाई कार्ड के टाइप होते हैं टू कार्टिलीडेंस रखते हैं और कोन जो होते हैं कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिससे हमसे नीएम बोलते हैं इसके अलावा जो मेल कोन होता है उसका कलर होता है सलमान कलर देखिए सलमान कलर की फिस uh, आती है ठीक है जैसे होता नहीं पिंकिस ऑरेंज इसका मतलब होता है जो ये कलर जो है सलमान कलर इसका मतलब होता है पिंकिस ऑरेंज कलर होता है किसका मेल कोन का इसके अलावा फीमेल कोन जो होती है वो आपकी ब्लू ग्रीन होती है और टैपरिंग होती है मतलब पॉइंटेड होती है इस तरीके से इसके अलावा हम बात करें जो माइक्रो इसकी जो माइक्रो माइक्रोब्लाई है वो आपके एनजीओ स्फर्म में जो आपका होता है उसके मतलब लाइक लगती हैं लेकिन फीमेल स्ट्रोबलस जैसे होता नहीं उसी की तरह यहाँ पर दिखाई देती हैं माइक्रो स्टोबलाई जो होती हैं सिक्स स्टेम जो होते गए वो एक स्ट्रक्चर का फार्मेशन जो ऊपर बताया था सन का फार्मेशन करते हैं इसके अलावा जर्मिनेशन जो होता गई बुक बहुत हद तक रेन जो बारिश होती है उस पर डिपेंड करता है आगे का जो डेवलपमेंट होता है मतलब सर्वाइवल बोर्ड डिपेंड करता है फोक पे तो कहने का मतलब रेन और फोक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पे जर्मिनेशन एज वेल एज उसके आगे की ग्रोथ के लिए नाम गई अब हम यहाँ पर बात करेंगे इससे डिपेंड जो लगभग थर्टी या ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट दैट कैन बी एग्जाम में आ सकते हैं रिगार्डिंग दिस प्लांट रिगार्डिंग दिस ऑर्डर पहला क्वेश्चन है आपने जो स्टडी करे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बनाए हैं एन एडल्ट वेल बिचिया जो आपका प्लांट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग एन एडल्ट वेल विचिया कंसिस्ट ऑफ तो उसमें देखा आपने टू लीव्स एक स्टेम बेस और एक रूट होता है तो करेक्ट आंसर क्या होता है डी ये तीनों इसमें कंप्लीट करते हैं प्लांट को अडल्ट मतलब तीसरा क्वेश्चन है दूसरा द पिक्यूलियर मतलब यूनिक करेक्ट्रिस्टिक ऑफ बेल या इंक्लूड तो पहला पॉइंट वही स्पीकुलर सेल्स होती हैं और जिनके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स उनके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं बार्म लाइक मासि सोप बने होते हैं जो कि बेसल्स जो होती हैं आइसोलेटेड अनकनेक्टेड बेसल्स की होती हैं ठीक है तीसरा है कि इम्ब्रियोसाइक ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं ये तीन इसके कैसे करेक्टर है पिक्यूलियर करेक्टर है जो दूसरी जगह नहीं पाए जाते नॉर्मली ठीक है गाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं इसमें भी फीचर्स की बात करा गया है पहला पॉइंट है टू परमानेंट लिप्स बिल्कुल सही बात है और लिफ्ट जो होती है गाइज वो लेदरी ब्रॉड स्टेप स्टेप का मतलब होता है कि जैसे इस तरह के पाइप बन जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा चौड़ी होती गाई दोनों तरफ जो फोल्ड हो जाती है तो स्ट्रेप बन जाता है एंड लोकेटेड ऑन ग्रोथ बिकमिंग टर्न टू रिवेंस एंड टैटर्ड विद एज एज के साथ मतलब अपनी जैसी एज होती वैसी ये मतलब और ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मतलब इनके अंदर जो फोल्डिंग होती है वो बढ़ती जाती है ठीक है गाइस रिबन हो जाती है इसकी इसके, इसके।, इसके बाद स्टेम ग्रोज टू फाइव मिलीमीटर हाइट ये बात भी सही है कार्बन डेटिंग टेल्स दैट <laughs> कि इट इज फाइव टू सिक्स हंड्रेड ईयर्स ओल्ड मतलब इतनी इसकी उम्र होती गई तो स्टेटमेंट टे, जो है वो सही है कि आल ऑफ दी है बब क्योंकि ऑलरेडी जो हमने आपको पॉइंट जो बताएं ये पॉइंट सब वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछे गए सब एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम से कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर फोर है इज वाट इज ट्रू अबाउट देखिए इसकी जो इंडो होती है बहुत ही डिस्टिंक्ट होती है मतलब क्लियर होती है ऐसा नहीं कि इंडो टर्मिन बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं बल्कि क्लियर कट इंडो पाई जाती है और जो स्टील होती है वो डाईआर से स्टील होती है आप इसके देखें डेफिनेशन स्टील का जो मेरा वीडियो है उसके बाद कार कारकैम्बियम फॉर्म्ड एट लेटर स्टेज मतलब सेकेंडरी ग्रोथ बहुत प्रोमिनेंट होती है यहाँ पे कारकेम्बियम जो होता है लेटर स्टेज पर अपियर होता है और प्रोड्यूस थिक लेयर ऑफ कार मतलब जो सेकेंडरी ग्रोथ को स्टार्ट करेगी तो ये बातें बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत ही प्रामिनेंट सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है अब देखते हैं सेकेंडरी बुड आप बेलविचिया इज पॉलीजाइकलर सिमिलर टू देखिए इन्हें क्वेश्चन खुद बता दिया कि सेकेंडरी जो बुड होती है जो सेकेंडरी मतलब ग्रोथ के बाद बनती है इस प्लांट में बेलविचिया में वो पॉलीजाइलिक होती है तो पॉलीजाइलिक जो ग्रोथ है ग्रोथ मतलब जो बुड है वो सिमिलर टू किससे सिमिलर दूसरा प्लांट कौन सा जहाँ पर पॉलीजाइलिक होती गई तो आपने देखा है कि ये दूसरी जो होता है वो आपका फिफ्थ आंसर है साइकस में पाई जाती है पॉलीजाइलिक बोर्ड क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम बात करते हैं एक्सट्रीमली थिक वाल्ड स्पिकुलर सेल्स इनक्रस्टेड विद क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जोलेट इज रिपोर्टेड इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये हमने आपको बताया था स्पिकुलर सेल्स होती हैं कहाँ पर होती पित्त और कार्टिक्स ऑफ स्टेम ठीक है और किस प्लांट में होती हैं बेल है में और इनके चारों तरफ कैल्शियम ऑक्जोलेट के क्रिस्टल्स डिपॉजिट्स होते हैं इस करेक्ट आंसर आपका क्या होता है सी क्वेश्चन नंबर सेवन में हम बात करते हैं बेचा दी फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ़ बेलिया देखिए ट्रेकिट्स हैव सर्कुलर बॉडर पिट्स हमने आपको पिक्चर दिखाया है बेसल्स यूजली हैव सिंगल सर्कुलर पोर ठीक है वो इनके एंड वाल पर भी होता है और लेटरल वाल पर भी होता है जाललम परिंगामा बहुत ज़्यादा होता है मतलब कोट अबेंडेंट होता है और डी ऑफ दिए वो तो ये बात भी आपके ध्यान है सर्कुलर बॉर्डर पिट्स होते हैं ट्रेकिट्स पर बेसल्स की क्वालिटी क्या है सिंगल सर्कुलर पोर होता है जायलम पार्कामा बहुत बहुत आयात में होता है और डी ऑफ दी वैसे क्वेश्चन नंबर एट में बात करते हैं बेल एंड नीटम इज सिमिलर इन विच रेस्पेक्ट हमने आपको क्वेश्चन बताया था पहले भी फिर से एक बार देख लेते हैं बेलबिची और नीटम में पहले हमने क्वेश्चन बता दिया था ऊपर अब आगे हम फिर बताएंगे पॉलिनेशन मोड में सिमिलरिटी होती है जनरल ग्रोथ पैटर्न में सिमिलरिटी होती है पैटर्न ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ तो हमने आपको पीछे तीन फीचर्स बताए उसमें से इसमें एक फीचर यहाँ पे दिया हुआ है गाइज़ वो क्या है आपका सी वाला करेक्ट आंसर है पैटर्न ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो नीटम और बेलबिचा में सिमिलर होती है पॉलिन मोड कोई भी मतलब सिमिलरिटी नहीं है ग्रोथ पैटर्न में कोई सिमिलरिटी नहीं है बट सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है गाइज उसमें सिमिलरिटी होती है स्पेशली जो मोटाई में वृद्धि का जो पैटर्न है बेलबिची एंड नीटम में वो कम्प्लीटली काफ़ी सिमिलर होता है क्वेश्चन नंबर नाइन में बात करते हैं बेलविचिया एंड साइकस इज सिमिलर इन विच रेस्पेक्ट बेलविचिया और साइकस किस रेस्पेक्ट में सिमिलर होते हैं गाइस यहां पे देखिए साइकस से हमें तीन सिमिलरिटी आपको बताइए गाइस अब देखते हैं क्या क्या एक तो सेक्सुअलिटी की बताई थी दूसरी जो बुड होती है उसकी बताई थी और एक सिमिलरिटी और बताइए बताइएगा वो यहाँ पे आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी बोथ ए एंड बी माइक्रोस्ट्रोवला या रिमिनसेंट आप एनजीओ साइकस एनजीओ है ये जिम्नोस्पर्म है यह एनजीओ सिमिलरिटी की बात कर रहा है क्वेश्चन पूछा गया साइकस और इसमें क्या सिमिलरिटी हो तो दो सिमिलरिटी होती है एक सेक्सुअलिटी की दोनों ही बाइसेक्सुअल है मतलब डायसियस है और इनकी जो बुड का टाइप होता है वो पॉलीजाइलिक होता है साइकस में और में क्वेश्चन नंबर टेन में हम बात करते हैं इन दी फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दी बेलबिचिया अब इसके बाद फिर से देखते हैं डायसियस होता कहीं बिल्कुल सही बात हमने बताया साइकिल की तरह और माइक्रो या रेमिसेंट ऑफ पर ये बात भी सही इसकी जो माइक्रो स्ट्रोबलाई श्ट्र, श्ट्र, होती हैं वो आर मतलब जैसे कि आपने देखा है जो एनजस्पर में से सिमिलरिटी शो करती हैं और जो सी स्टेटमेंट है ईच ब्रैक्ट कंटेंट ए सिंपल मेल फ्लावर जिसमें एक ब्रैक्ट बनता है उसके अंदर एक क्या होता है मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है ये बात जो है इनके हिसाब बेलबिचिया इज कम्प्लीटली ट्रू तो इसके बारे में तीनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है कि भाई ये प्लांट जो होता है वो डायसिस होता है और जो माइक्रोस्ट्रोब लाई होते हैं वो रिमिनिट ऑफ एनजियोस्पर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो मतलब एक इनके एनजियोस्पर्म के साथ सिमिलरिटी को शो करते हैं कि ये जो एनजियोस्पर्मे आज है भाई इसमें इसके जस्ट रिमिनेंट पाए जाते हैं मतलब बचा हुआ आपसे और ईच ब्रैक्ट जो होता है बेलबिचिया वो जस्ट ए सिंपल मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं इन फॉलोइंग इज ट्रू वन अबाउट दी बेलबिचिया इसके एलबिजिया के बारे में दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं मेल कोन्स आर सलमन कलर्ड देखिए हमने बताया ना पिंकिस ऑरेंज कलर का होता है बिल्कुल सही बात है ऑबलोंग कोन लाइक स्ट्रक्चर इस इसके अंदर जो कोन होती, वो कोन होती है वो ऑबलोंग कोन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं सिक्स स्टामिन जिन्हें माइक्रोस्पियो फोर्स होते हैं जिन्हें हम सिक्स स्टामिन कह लें या स्टामिन को मेरे माइक्रोस्पियो फोर कह लें वो फ्यूज जो के कपलाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ठीक है ये भी बात सही है और ईच ये चीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है ये माइक्रोस्पो टर्मिनेट इन ए सिनेंजियम मेड बाई थ्री फ्यूज इस्पोरेंजिया क्वेश्चन को फिर से एक बार देखेगा इस यहाँ पे बात कर रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है तो इसमें इच मतलब जो बात कर रहा है नए स्टेमस की बात कर रहा है कि इच स्टेमिन टर्मिनेट कर करके एक सिनेंजियम का फॉर्मेशन करता है और जो तीन स्पोरेंजिया के फ्यूज के बराबर होता है मतलब सिनंजियम में तीन स्पोरेंजिया फ्यूज होते हैं तब सरेन्जियम बनता है और इस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द मेल फीमेल कौन ऑफ बेलबल्च देखिए फीमेल कौन जो होती है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट देखते हैं इट इज लार्ज कंपाउंड मोर टैपरिंग देन एंड ब्लू कलर्ड पहले तो कलर की बात करें जो हमने आपको अब बताया था बड़ी सी होती है कंपाउंड कंपाउंड मतलब जैसे ही तो आपने सुना कौन तो एक जॉइंट स्ट्रक्चर होती है यहाँ बस इतना एक ध्यान रखें टैपरिंग और ब्लू ग्रीन कलर की ये बात दूसरा इट हैज़ एक्सपोज स्टिग्मा जो मेल कोन में स्टिग्मा होता है वो उस पर ओपन होता है कोई उस पर कवरिंग नहीं होती है प्रोड्यूस्ड ए नेक्टर ड्रॉपलेट ठीक है और इनके फीमेल कोन में एक नेक्टेड ड्रॉपलेट भी प्रेजेंट होती है पॉलिन चैम्बर यहाँ पे एबसेंट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गाइज पॉलिन इन चैम्बर यहाँ पर एबसेंट होता है और जो ओब्यूल होता है गाइज वो बायोटेक्निक होता है तो इस तरीके से जो फीचर्स हैं गए वो सभी जो सही हैं बेल बच्चे के बारे में ऐसा होता है कि इसमें जो आपका फीमेल कून होता है वो टैपरिंग होता है और जो स्टिग्मा होता है वो एक्सपोज मतलब खुला हुआ होता है और पॉलिन चैंबर गाइज यहाँ पर एबसेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ओब्यूल जो होता है बायोटेक्निक होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी में बात करते हैं गाइस करेक्टिस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें स्टेटमेंट दिया है कि करेक्टिस्टिक्स जिसमें क्या बताया गया कि इनर इंटोगमेंट ऑफ ओव्यूल ग्रो एज थिन माइक्रो पायलट ट्यूब ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि, कि किस प्लांट में जो माइक्रो जो आपका ओव्यूल होता है उसकी जो इनर इंटोगमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ करती है कि एक माइक्रो पायलट ट्यूब का फॉर्मेशन कर देती है गाइस तो ये बेलबिया में तो होते ही है कह करें एंड इज आल्सो रिपोर्टेड दूसरा कौन सा प्लांट है जहाँ पे ये देखने को मिलता है एफेड्रा नीटम गेंगो का तो करेक्ट आंसर है डी मतलब इफेड्रा और नीटम दोनों में ये कंडीशन देखने को मिलती है ठीक है रिंगों में ऐसा नहीं होता है इफेड्रा और नीटम में ये देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में बात करते हैं कि इन बीच दी फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिल बिचर देखिए इसके बारे में फिर से एक बार स्टेटमेंट आ रहा है कौन बियरिंग प्लांट्स आर ऑफ इन विंड पॉलीनेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए इसमें एक जनरलाइजेशन है कि जो कौन बियरिंग प्लांट होते हैं उनमें जनरली क्या होता है विंड का पॉलिनेशन हवा के द्वारा परागण होता है बिल्कुल सही बात है ये दूसरा पॉइंट है कि विंड पॉलीनेटेड जो प्लांट होते हैं वो पॉलिन ग्रेन्स के बहुत ज़्यादा मतलब मास लेवल पे पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात एट सेम टाइम एक सेम टाइम पे प्रोडक्शन होता है जी नहीं कि उसमें थोड़ा इंटरम्बल हो उसके बाद है बेलविचिया इज बिंड पॉलिनेटेड पॉलिन चैम्बर इज एबसेंट तो कह रहा है कि इजे ट्रू स्टेटमेंट कौन सा आएगा इसमें क्वेश्चन को अगर सही करें तो इसमें एक पॉइंट ये है कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट इसे क्वेश्चन को थोड़ा सही करें करेंगे इसमें एक टर्म बढ़ाए नॉट ट्रू क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, है। बाकी देखिए ये भी सही है और ये भी सही है और डी भी सही है जो स्टेटमेंट सी है बेल बिचियाज बिंड पॉलीनेटर तो आपको ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में एड नॉट ऐड करें पहले तो ठीक है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो फोर्टीन बनेगा उसमें क्वेश्चन जो बनना है कि नॉट ट्रू बाकी सभी स्टेटमेंट ट्रू हैं ठीक है क्योंकि इसमें आलाब्दीप का ऑप्शन नहीं है बनना तो क्वेश्चन हमको जैसा था वैसा ठीक कर लेते तो नॉट ट्रू का बिलबिचिया जो है वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसमें माना कि ये जिम्नोस्पम्स है और इसमें बहुत सारे पॉलिन ग्रीनस भी बनते हैं मगर उसके बावजूद ये बिंड के थ्रू पॉलिनेट नहीं करता है ये करता है इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है बेलवचिया इज बिंड पॉलीनेटेड ये गलत बात है नोट लिखा है ये एंटेमोफिल्डस होता है इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है बाकी देखिए पॉलिन चैम्बर यहाँ पे एबसेंट होता है बिंड पॉलीनेटेड जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिनग्रीन प्रोडक्शन करते हैं और सेम टाइम पे करते हैं और जो कोन बीरिंग जिन प्लांट में कोन बनती है वो सब बिंड पॉलीनेशन होते हैं भाई सब स्टेटमेंट सही हैं बस स्टेटमेंट सही नहीं है गाइज कि बेलविचिया बेलबियाज बिंड पोलीट ये गाइज जो है इंसेक्ट पॉलीनेटेड प्लांट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में हम बात करेंगे बेलविचिया माइक्राविलस इज देखिए क्या है ये जो मेन प्लांट है उसी के बारे में क्वेश्चन कर लिया कि बेलबिचिया माइक्रा जो होता है माइराविलस वो एक मोनोटोपिक जीनस है इसका मतलब ये होता है एक जीनस और एक ही स्पीसी है जैसे गेंगो वाइलोगों में था उसी तरीके से यहाँ भी तो इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म कहते हैं ठीक है ये बात सही फॉसिल ट्रेडोफाइड नहीं है एन्जोस्पम नहीं है ब्राफाइड नहीं है तो क्या है लिविंग फॉसिल जिम्नोसपम से एक ही है बस एक जीनस और उसकी एक स्पीसीज है पूरी फैमिली में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में बात करते हैं विच एंजियोस्पर्मिक जीनस इज नोन एज खरोस आर खुरब ये हमने आपको बताया था कि इसी को हम कहते हैं बेलबिचिया को खरोस या खुरब ये ध्यान रखें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं होता फिर भी इसे ध्यान रखें कि इनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जनरल बात है बेलबिचिया मिराबिलिस जैसे फॉसल जिम्नोस्पम या देखिए फॉसल जिम्नोस्पम तो नहीं कहते इसे सही से लिविंग फॉसिल वाला पॉइंट रखें बेलबिचिया मिराबिलिस जो फॉसिल लिविंग फॉसिल है बाज इंडेमिक टू इसे बाज बिटाम इज इंडेमिक टू मतलब इंडेमिक है कहाँ का आपको बताया था नेम डेजर्ट निम्बिया और अंगोला कंट्री जो है साउथ अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में वहाँ पर ये वहाँ का एंडेमिक है वहाँ पर पाया जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन में बात करते हैं करेक्टर्स ऑफ बेलबिचिया इंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर एटीन में देखते हैं कौन कौन से इसके फीचर्स हैं पहला पॉइंट है स्पीकुलर सेल्स इन स्टेम ठीक है कार्टिक्स और इसकी जो पिथ होती है उसमें स्पीलर सेल्स प्रेजेंट होती है उसके बाद बार्म लाइक -like मॉसिस आप आइसोलेटेड इसी बता चुके हैं ये पिक्यूलर है इसके बाद टू परमानेंट लिप्स होती गई जो कि यूनिक फीचर पूरे प्लांट किंगडम में और वो कभी भी मतलब ये प्लांट से नीचे नहीं गिरती दे नेबर से डाउट ठीक है बेसल साब सिंगल सर्कुलर पुर जो बेसल्स होती है उनमें सिंगल सर्कुलर पोर होता है गोल सा कहाँ कहाँ होता है वो उनकी इंड वाल पर भी होता है और उनकी लेटर बाल पर होता है तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर है वो ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे आपको इसके जनरल आइडिया की बेलविचिया प्लांट में क्या क्या होता इसमें इस्प्ल। इस्प्ल। है इसमें स्पीकुलर सेल्स पाई जाती हैं बार्म लाइक -like मासिस बनते हैं जो कि आइसोलेटेड और अनकनेक्टेड बेसल्स के बने होते हैं इसके अलावा टू परमानेंट लीव्स होती हैं जो इसका यूनिक फीचर है इसका क्या गाइज पूरे प्लांट प्लांटम में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है और ये जो लिप्स होती है टू लिप्स बाकी दूसरी लिप गिर जाते हैं और टू लिप्स कभी इससे गिरती नहीं है और जो उसकी बेसल्स होती है वो सिंगल सर्कुलर पोर रखती है बाल पे और लेटरल वाल दोनों जगह पर क्वेश्चन नंबर नाइनटी में हम बात करते हैं फीचर्स लाइक पिथ एंड कार्टेक्स इस करेक्ट्रिस्टिक स्पीिकुलर सेल्स विच वाज एक्सट्रीमली थिक वाल्ड एंड इनक्रस्टेड विद क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइट बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बार बार उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करें जैसे रिवीजन हो जाए देखिए क्या है स्पिकुलर सेल्स होती हैं और उन पर क्या होता है कैल्शियम ऑक्जोराइट के क्रिस्टल्स का लेप होता है मतलब इसके चाहते हुए कवरिंग होती है ठीक है परतें जमा हो जाती हैं और ये आपका कहाँ पर देखने को मिलता है बेलबिजिया मिसाइल देखिए कैल्शियम ऑक्सोलेट की तो हमने कई जगह बताया बट जो स्पीकुलर सेल्स स्पेशली हैं उनके चारों तरफ वो होना इनकी स्पिकुलर सेल्स की प्रेजेंट होती है वो बिल की बात होती गाइज़ ठीक है जिमनोसपॉर्मिंग प्लांट है ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज जिसमें हमने बात आपको बताई है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो कह रहा है गाइज उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इन बचा दी फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बिलबिचिया देखिए इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा फीचर नहीं है क्वेश्चन नंबर नाइन ट्वेंटी में देखते हैं ठीक है इस ट्वेंटी में देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जर्मिनेशन uh, ई जी पी आपको बता चुका है सी और पी का मतलब और पाइनस की तरह इसका जर्मिनेशन होता है बिल्कुल अपोजिट टी गेंगू ये बताया था मैंने कहीं बिल्कुल सही बात है कि जर्मिनेशन जो होता है uh, बेलबिचिया में वो और पाइनस की तरह आई होता है जिसमें ड्यूरिंग जर्मिनेशन जो कार्टिलेडेंस वाला पार्ट होता है वो बाहर आ जाता है ठीक है सॉयल के पत्थ के ऊपर होता है और गिंगो में जबकि होता है हाइपोजियल बिल्कुल सही बात है दूसरा पॉइंट है सीड्स है टू कार्टिलीडेंस मतलब बेलबिचिया का जो सीड्स होता है वो टू कार्टिलिय मतलब डाई कार्ट टाइप का होता है तीसरा स्टेटमेंट है इट हैज़ यूनिक ग्रोथ हैविट प्रोड्यूस कोनिकल स्टेम मतलब एक, एक ऐसी ग्रोथ पैटर्न पाया जाता है जिससे जो स्टेम होता है वो कोनिकल स्टेम का फार्मेशन करता है देखिए क्या होता है कह रहा है एपिकल ग्रोथ पॉइंट जो होता है जहाँ से ऊपर तरफ तो जो ग्रोथ होती है वो ग्रोइंग करना बंद कर देता है एक अर्ली स्टेज पे जिससे जो एपिकल ग्रोथ पॉइंट ऑफ द स्टेम ग्रोइंग फ्रॉम एन अर्ली स्टेज सो स्टेम ग्रो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ में ग्रो करता है इस तरीके से क्या होता है एक अप अपक्रोनिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है इनकेस ऑफ स्टेम और डी स्टेटमेंट है लाइक नीटम विल बची आर हैविंग ए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फीडर गाइस इसमें क्वेश्चन में सही करना पड़ेगा आपको देखिए इसमें थोड़ा सा हमने नॉट वन काट के यहाँ पे आ गया था यहाँ पे स्टेटमेंट है ए सही क्योंकि जो स्टेटमेंट है ए बी सी एंड डी आर कंप्लीटली ट्रू अबाउट द बिल तो नॉट को हटा दीजिए यहाँ पे सभी फीचर्स हैं इसके ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में हम बात करते हैं स्पीकुलर सेल्स आर रिपोर्टेड इन वेलबचिया इन विच पार्ट देखिए इन एक बात बता दें दे सेल्स जो होती हैं बेलबचिया में पाई जाती है तो मगर किस पार्ट में पाई जाती है हमने बताया ना पिथ सेल और कार्टेक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं अब ये दोनों जो टिश्यूज है किस वाले पार्ट के स्टेम के पार्ट में इलेवन ट्वेंटी वन का ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में हम बात करते हैं इस करेक्ट्रिस्टिक ऑफ वेलबिचिया इसमें तीन करेक्टर हमने आपको बताया फिर से एक बार देख लेते हैं ट्रेकिट जो होते हैं उनमें सर्कुलर बॉर्डर पिट पाए जाते हैं जालम परिनका में खूब मतलब अधिक पाया जाता है इसमें क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है इसके अलावा लीफ के अंदर आपने देखा होगा बाइस्कुलर बंडल जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं भाई ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्या दूसरी जगह भी एन जी स्वर भी देखने को मिलता है ऐसा नहीं है बट ये आपको ध्यान रखना ट्रांसफ्यूजन जो टिश्यूज है वो लीफ में प्रेजेंट होता है और स्पेशली कहाँ प्रेजेंट होता है बैस्कुलर बंडल को कवर किए होता है और डी स्टेटमेंट ऑफ आलाफ दिया तो करेक्ट आंसर आपका डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में बात करते हैं ट्रू फैक्ट अबाउट दी मेल कोन ऑफ बेलबिची देखिए मेल कोन जो होती है बेलबिचिया उसके बारे में देखो इसका पहला कलर कैसा होता है सालमोन कलर हमें क्या होता जाता है पिंकिस ऑरेंज कलर का होता है और अबलोंग कोनलाइक कंपाउंड स्ट्रक्चर ठीक है जी कैसा होता है अपने आप में जो कोन जो होता है मेल कोन वो ऑबलॉन्ग कोन लाइक स्ट्रक्चर अभी आपको पिक्चर नीचे दिखाएंगे इसका मेल फ्लावर जो होते जिसमें यहाँ माइक्रोस्टोबिलाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर जाता है वो आर रेमिनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ठीक है यहाँ पे जो मेल फ्लावर जैसे हम बोलते हैं माइक्रोस्टोबिलाई वो जस्ट लाइक मतलब ऐसा लगता है कि एंजुसपर का जस्ट आ, मतलब एक रेमिनेंट है इन्हीं से डेवलपमेंट हुआ एंजुसपर में आज जो है फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया ठीक है तो ये उसका जस्ट रेमिनेंट कहलाता है जो यहाँ पे माइक्रोस्टोबलाई के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है डी स्टेटमेंट इज करेक्ट सभी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है एक अबाउट वेल विचिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में हम बात करते हैं ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दी मेलकोना फिर से एक बात देखिए मेलकोन के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस्टेमिन जो उसमें होते हैं वो जब टॉप पूरा ग्रोथ कर लेते हैं तो उनके टॉप पर जाकर क्या बनाते हैं सिनेंजियम का फार्मेशन कर ठीक है बिल्कुल सही बात है सनेंजियम इज कंसिस्ट ऑफ थ्री फ्यूज स्प्रुनजियो और एक स्ट्रक्चर में तीन स्प्रुंजिया बनती है इस तरीके तीन स्प्रुंजिया होती हैं तब एक स्ट्रक्चर बनती है जैसा बोलते हैं स्नेंजियम और ये स्टेमिन के जब पूरी ग्रोथ हो जाती है तो उसका टॉप मोस्ट रीजन होता है वहाँ पे जाके स्टेमिन आपस आप में जुड़ जाते हैं और तीन जो स्पोरेंजिया होती है वो ज्वाइंट होकर एक कंप्लेक्स स्टा है जिसे हम क्या बोलते हैं सिनेंजियम बोलते हैं इसके अलावा स्पोरेंजिया इस डहसिस मतलब ब्रेक होती है बाई मीन्स ऑफ बेंट्रल स्ल बेंट्रल का मतलब होता है जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके थ्रू ये जो होता है ये जो जमीन से इनका लीफ होती है ना जमीन से जो लगा हुआ पार्ट होता है मतलब सर्फिस से उस तरफ से ये स्पोरेंजिया जो होती है इसकी वो ब्रेक होती गई डी स्टेटमेंट इज़ करेक्ट ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में हम बात करते हैं देखिए पिक्चर आपने देखा है यहाँ पे देख लें मेल कौन और फीमेल कौन दोनों है ये मेल कौन फीमेल कौन और आपका सब ट्रेंडिंग ब्रैक्ट है ये ये आपका ओव्यूल आपको देखा ना ये आपको मैंने बता रहा था इंटोक्यूमेंट दो बारी लेयर होती है बायोटेक में इसका ओव्यूल होता है अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में देखते हैं ट्रू अबाउट द मेल अब मेल मेलकॉन के बारे में बात करते हैं कौन बियरिंग प्लांट्स ऑफ इन बिंड पॉलिनेटेड एक्सेप्ट बेलबिचा देखिए बार बार हम क्यों क्वेश्चन बताए कि आपको क्लियर हो जाए बेलबिचिया जिम्नोस्पर्म से बहुत सारे पॉलिंग का फॉर्मेशन करता है उस पॉइंट ऑफ ज्यूस इनमें कौन भी बनती है और कौन वाले सब प्लांट कैसे होते हैं गाइज़ हवा के द्वारा विंड के द्वारा पॉलीनेट होते हैं मतलब उसके अपोजिट जो आपका ये प्लांट आज हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर आडल वेलविल चीज के अंडर वेलबिचे जिससे हम बोलते हैं ये जो होता है गाइज ये आपका हवा के द्वारा पॉलीनेट नहीं होता यह इन्सेक्ट पॉलीनेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टें क्वेश्चन गाइज दूसरा पॉइंट है ओव्यूल इन बेलवेचिया इज बाई जो ओव्यूल होता गाइज आपने ऊपर जैसे हमने दिखाया ये बाई टेकिंग मतलब दो लेयर से कवर्ड होता है इसके बाद सी स्टेटमेंट है फीमेल कौन सा ब्लू ग्रीन एंड टेपरिक जो फीमेल कौन होता है वो ब्लू ग्रीन होता है और टैपरिंग टेपर मतलब कोन उसके अंदर पॉइंटेड होता है और डी स्टेटमेंट आलाप दिया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में हम बात करते हैं ऑब लॉन्ग कॉर्निकल सेप स्टेम आपको बताया था कि स्पेशल ग्रोथ पैटर्न की वजह से ऐसा होता है कि उसका जो अपीकल ग्रोथ पॉइंट होता है वो बहुत ही यंग स्टेज से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो दोनों तरीके से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ग्रोथ करता है उसका रिजल्ट होता है कि जो उसकी जो स्टेम की सेप होती है वो ऑब लॉन्ग कॉर्निकल हो जाती है तो करेक्ट आंसर आपका ये इस तरह की कंडीशन पाई जाती है बेलबिचिया में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी स्टडी ऊपर कर चुके हैं फिर से एक बार उन्हें देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिमिलरिटी ऑफ़ दी बेट बच्चिया एंड साइकस इन तीनों के बीच सिमिलरिटी तीन सिमिलरिटी होती है साइकस जर्मेशन में सेकेंडरी बोर्ड में और सेक्सुअलिटी में ऑप्शन डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में बात करते हैं सिमिलरिटी बिटवीन दी बेटे बच्चिया एंड डिफेडा के बीच में तीन सिमिलरिटी हैं क्या फीडर स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ होता है और इनर टूर्गोमेंट विल ग्रो एज ए थिन माइक्रो पायलट ट्यूब के में फार्माइस थैंक यू वेरी मच आइज